Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. तो आज का क्या सीन है, आप सबको बाहर का सीन क्या दिखाता हूँ, आज वेदर क्या है वेस्ट बंगाल में, चलिए दिखाते हैं कैसा है आज का वेदर। अभी तो वहाँ का वेदर ठीक ही है, धूप भी उतना नहीं निकला है और बारिश भी नहीं हो रही। वेदर फॉरकास्ट तो बोल रहा था आज सुबह सुबह से बारिश होगा, लेकिन भगवान की कृपा से आज बारिश नहीं है, अभी तक नहीं है, पता नहीं आगे क्या होगा। अभी तक मैंने चाय नहीं पिया, चलो चाय पीते हैं फिर बात करते हैं। चाय की चिस्की लेते लेते होगी बात, तो रहो हमारे साथ, लेट्स गो। हम आ गए किचन में, चलिए चाय गर्म कर लेते हैं। हेलो प्रिंस, चाय पी लो, वो वाला डायलॉग है ना वैसे ही, तो चलिए चाय पी लो फिर बात करते हैं। एनर्जी फील होता भाई चाय में, जो बात है ना और किसी चीज़ में वो बात नहीं। चाय पीने के बाद ना शरीर में कुछ अलग ही एनर्जी फील होता है भाई। सुबह सुबह चाय ना पियो तो कुछ काम अच्छा ही नहीं होता। चाय इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाय नहीं तो कुछ नहीं है भाई। सुबह सुबह दिमाग ख़राब हो जाएगा या फिर चाय नहीं होते, फिर भी तो थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आज का क्या सीन है, सीन तो बहुत अच्छा है, अभी तो चाय पी रहे हैं, बाद में बाहर निकलेंगे, कुछ काम है, काम करके फिर हूँ। ब्लॉग इतना नहीं लोग देख रहे हैं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पता नहीं कि यूट्यूब नहीं प्रमोट कर रहा है या आप लोग नहीं मुझे चाहते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई ब्लॉग करने का, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, हार्ड कोशिश कर रहा हूँ कि आप ब्लॉग अच्छे से अच्छा बन जाए, अच्छा हो, आप सब देख सके, आप जो दिखना चाहते हैं वही दिखाएं। नहीं भाई, सिंपल सा बंदा हूँ, जो होता है मैं वही दिखाता हूँ, नहीं कोई एक्सट्रीम कोई चीज़ में नहीं दिखाता किसी को। मेरे पास एक्सट्रीम दिखाने को है भी कुछ नहीं, जो मैं क्यों दिखाऊंगा आप सबको एक्सट्रीम। तो जब भी सपोर्ट कीजिए, मुझे कीजिए, ठीक है, और क्या ही बोलो आप सबको, अब तो हम मेरे फैमिली की तरह हो। मैं ज़ीरो हूँ, ज़ीरो से नंबर वन होने में बहुत भाई मेहनत लगती है, मुझे भी पता है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा तो सपोर्ट कीजिए। एक दो व्यूज़ आ रहे हैं मैं देख सकता हूँ, सिर्फ बैक ऑफ माय फैमिली। सो आप देखिए, ब्लॉग देखिए, आशा करता हूँ अच्छा होगा सब ब्लॉग। बोल रहा हूँ कि सपोर्ट थोड़ा कीजिए, ठीक है, क्या भी बोलूँगा, आप तो फैमिली है, फैमिली के साथ कुछ भी शेयर करना, यही बोलना था वो तो बोल दिया। चलिए चाय पी लेते हैं। आज जो ज़ीरो है वो कभी तो नंबर वन होगा, आज जो नंबर है वन है वो कभी भी ज़ीरो पे आ सकता है। मैं नहीं चाहूँगा कि वो नंबर वन कभी ज़ीरो पे आए, क्योंकि ज़ीरो से एक नंबर पे जाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है भाई, आप सोच भी नहीं सकते कितना मेहनत लगती है। सो मैं चाहता हूँ सब एक साथ ग्रो करें, यूट्यूब इंडिया को आगे बढ़ाए और आगे देश का नाम करें। सो जैसे सौरभ जोशी ने किया है, नंबर वन इंडिया का ब्लॉगर बन चुका है वो। सो कॉन्ग्रेट्स टू यू ब्रो, दिल से इसी तरह आप ग्रोथ करते रहिए, भी टॉप करेंगे, आपके दुआ रहेगा तो, आप सबका दुआ होगा तो हम भी ऊपर जाएंगे, इतना ऊपर नहीं जाएंगे, भगवान के पास ही चले जाए हम। सो अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है, कैसे मैं सब कुछ करता हूँ, आशा करता हूँ अच्छा ही करूँगा सामने। आप सबका दुआ, आप सबका प्यार,
सपोर्ट रहेगा तो गगन चीर देंगे हम। भाई आई डोंट नीड एनी सिंपैथी, मैं पहले ही बोल चुका था, मैं मुझे कोई भी तरह की सिंपैथी नहीं चाहिए किसी से। मैं जो फैक्ट है वही बोल रहा हूँ कि धीरे से चलाए और सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई आदमी या यूज के कर रहा है तो भाई वो उसमें तो किसी का हाथ नहीं है, तो फिर उसे तो पुलिस के हवाले ही करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही भाई सीन है, यहाँ पर भाई समझ रहे हैं ना, ये चलता है तो सब कुछ जायज़ है यहाँ पर। सो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला अभी तक, अभी पैसा है तो सब कुछ जायज़ है। लेकिन जो मिडिल क्लास हमारी तरह है, जिसके पास उतना पैसा नहीं है जितना हम उनको दे सके, सेटिस्फेक्शन करवा सके, सो पैसा है तो सब कुछ है, मुझे पता है। लेकिन किसी किसी जगह पर ना पैसा नहीं काम करता। आप जाके मंदिर पे जाइए, मंदिर पे जाके भगवान के सामने कुछ भगवान के साथ जाने के लिए तो एक लाइन है, लाइन वहाँ पर भी बिजनेस है, लेकिन भगवान के साथ बिजनेस नहीं, भगवान के सामने जाने के लिए भी बिजनेस करते हैं सब, लाइन पे खड़े रहने के लिए या कुछ ज़्यादा कम लाइन जाने के लिए, 500 का लाइन, 300 का लाइन, सब लाइन अब डिवाइड हो चुका है भाई। यहाँ पर पता नहीं ये वेस्ट बंगाल में है या बाहर भी है, लेकिन वेस्ट बंगाल में तो भाई ये सिंडिकेट बहुत चलता है, आप तो जानते ही वेस्ट बंगाल इसके लिए फेमस है अभी ट्रेंडिंग। सो मैं अपना स्टेट कभी छोटा नहीं करूँगा, जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ। यहाँ पर बुरा भी है अच्छा भी है, यहाँ पर 100 रुपये में आप सब दिन भर घूम के पेट भर के खाना खा सकते हैं। अगर यूट्यूब एक आर्ट है तो हम सब एक आर्टिस्ट हैं, अगर यूट्यूब एक घर है तो हम इस घर के घरवासी हैं, ठीक है। तो सब लोग एक कंटेंट क्रिएटर की तरह रहना चाहिए, सबको इन्फ्लुएंस करना चाहिए अच्छी वे में, ना कि बुरे वे में। तो यही बोलूँगा सबको, सब खुश रहिए, सब कुछ ठीक रहिए, सब अच्छे ही रहिए। मैं किसी की बुराई करके तो मैं ऊपर नहीं उठना चाहता हूँ, ठीक है। एज अ मेरे मन में जो था मैंने बोल दिया, मैं पहले ही बोलता सिंपल सा हूँ, जो दिखाता हूँ वो रॉ है, जो है वो भी रॉ है, मैं कोई ऐसा एक्सेम कुछ नहीं दिखाता। कैमरा कॉन्शियस था, आप लोगों ने फर्स्ट ब्लॉग देखा या सेकेंड ब्लॉग या थर्ड ब्लॉग, तीन ब्लॉग में देखे डिफरेंट तरह से ना मेरा कैमरा के सामने जो बात करने में जो हिचकिचाहट होती थी वो अभी बहुत कम हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे होगा भाई, आपकी सपोर्ट, आपकी दुआ, आपके प्यार रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे एक बात बोलने में तो अभी हिचकिचाहट नहीं होती है उतना कैमरे का सामने, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम होती है, मैं जब स्क्रीन ऑन करता हूँ ना, मैं सिर्फ हालांकि कैमरा की तरफ इस तरफ देखना चाहिए, लेकिन मैं मेरी आँख ना खाली बारीकी से यहाँ पर ही चली जाती है स्क्रीन की तरफ, तो इसे मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कैसे भी हो। और भाई थोड़ा इम्प्रूवमेंट में, लेकिन अभी मैं जो भी है यही है, इससे से ही ब्लॉक करूँगा, इससे से ही गेन करूँगा, इससे ही लूज़ करूँगा, गेन करने की बात भी इसी से ही करूँगा, हालांकि कुछ क्वालिटी चेंज होंगी। सो बाद में देखेंगे जब ही हम अच्छे अच्छे यूट्यूबर बन जाएंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, खुदा हाफिज, अच्छे रहेंगे सब।